वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आकांक्षा तिर्की और मेरा चैनल बेस्ड है क्रिएटिव थिंग्स एंड आर्टवर्क्स पे। तो यस, बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए क्या लेके आई। आज कुछ नया नहीं है, आज हम उसी मीडियम के साथ कुछ दूसरा प्रोजेक्ट लाएंगे। यूजुअली मैं पेंटिंग्स और कुछ स्केचेस किया करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फ्लावर्स के साथ एक्सप्लोर करूं। तो आज हम वाटर कलर मीडियम यूज़ करके फ्लावर्स की ड्राइंग करेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी वाटर कलर मीडियम यूज़ करके बहुत सारी पुरानी ड्राइंग बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो सारी पेंटिंग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वाइट शीट ली है एंड उस पर मैंने फ्लावर्स की ड्राइंग की है। मैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम यहाँ पे फ्लावर बना रहे हैं एंड यू कैन सी द प्रोसेस, मैंने किस तरह से एक फ्लावर बनाया है यहाँ पे। आफ्टर द ड्राॅइंग मैंने वाटर कलर मीडियम यूज़ किया इसे कलर करने के लिए। सो व्हेनेवर वी यूज़ अ वाटर कलर्स, तो सबसे पहले हम उसका बेस कलर करते हैं एंड बेस शुड बी लाइट एंड कलर। इन वाटर कलर मीडियम वी यूज टू मूव फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर शेड, क्योंकि डार्क के ऊपर हम लोग लाइट कलर नहीं कर सकते वाटर कलर में, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लावर्स पे सबसे पहले लाइटर कलर कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने थोड़ा डार्कर शेड लिया और उसके ऊपर कलर किया। प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो आई एश्योर यू कि आप ये पक्का बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान से सारे स्टेप्स देखिए, मैंने हर एक प्रोसेस को दिखाया है। मैंने यह क्रिम्सन रेड यूज़ करके इस फ्लावर को कलर किया है। यू कैन यूज एनी अदर कलर एंड एक्सप्लोर विद इट। यू कैन यूज स्कारलेट ऑरेंज और स्काई ब्लू। मैंने हर एक स्टेप को बहुत धीरे से और बहुत आराम आराम से बनाया एंड इवन आई यूज टू ब्रशेस, एक मैं जिससे कलर कर रही थी और एक मैं थोड़ा उसे फैलाने के लिए यूज़ किया है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी पॉइंट। मुझे जहाँ लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं उस पॉइंट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है मुझे ड्राइंग करने का शौक बचपन ही से था। मैं बचपन से खूब सारे ड्राइंग, खूब सारे पेंटिंग्स बनाती हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे पेंटिंग बनाऊँगी। आई एम हैप्पी आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू। मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड अब मैं अपना पेंटिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। I'm happy.
एंड मैंने यहाँ पे सैप ग्रीन यूज किया लीव्स बनाने के लिए। डू यू फील हैप्पी आफ्टर मेकिंग अ ड्राइंग? अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है ना बनाते वक्त। एंड कभी कभी ऐसा भी फील होता है जब हम ड्राइंग बहुत मेहनत से बनाते हैं एंड वो अच्छा नहीं बनता। यू डोंट फील गुड अबाउट दैट ड्राइंग, बहुत ख़राब लगता है। मैं भी कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम आई गिव डबल एफर्ट्स उस ड्राइंग को बनाने के लिए। एंड दैट्स हाउ द बेस्ट ड्राइंग ऑफ माइंड इज बीन मेड। कभी कभी कुछ बुरा चीज़ के बाद ही अच्छी चीज़ होती है। सो वी शुडेंट बी डिप्रेस्ड। सो ऑलमोस्ट द फाइनल लुक इज बीन प्रिपेयर्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं बाय कमेंटिंग, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.